नमस्कार मित्रों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। देखिए, जो है शिक्षक भर्ती से लेकर बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आ गई है। जो है शिक्षकों की भर्ती को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आ गई है। ये 30 मार्च की न्यूज़ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और जो लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। कुछ सकारात्मक न्यूज निकल के सामने आ रही है। चलिए, मैं वो न्यूज क्या है वो मैं आपको बता दूं। वो न्यूज क्या है मैं वो जो है आपको बता देता हूं, ठीक है? देख लीजिए, जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये न्यूज पेपर की है, और ऐसा नहीं, ऐसा भी ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज है, मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए देखिए ये न्यूज क्या है। देखिए, पदोन्नत के लिए नई नीति बनेगी। पदोन्नत के लिए नई नीति बनेगी मेरे मित्रों। अब नया चयन आयोग गठित होगा और नई नीति बनेगी, और उसमें पदों को जो है कितने पद खाली हैं, कितने पद निकलेंगे देख लीजिए। लखनऊ प्रमुख संवाददाता, प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नत के लिए अब नए सिरे से नीति बनाई जाएगी। नई नीति में प्राइमरी स्कूलों में 3 साल में ही अध्यापकों को प्रोन्नत देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी में ही हेडमास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर ही पदोन्नति पाने वाले को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भेजा जाता रहा है। पदोन्नत भी 5 सालों के अंतराल पर ही की जाती है, ठीक है, की जाती है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों, अब देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है कि किस प्रकार जो है 2.5 लाख पदों को भरा जाएगा, शिक्षकों के 2.5 लाख पदों को भरा जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आ रही थी। और भी जो है लगभग 2,50,000 पदों पर जो है खाली पड़े पद हैं, और बहुत सारे लोग इस समय धरने दे रहे हैं वैकेंसियों के लिए। तो जल्दी करें, और जो है उम्मीद करता हूँ जल्दी भर्ती आ जाए जिससे लोगों की जॉब लगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर और भी शिक्षक भर्ती की न्यूज और लेना चाहते हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर को ज्वाइन करिए, जिससे आने वाली सारी जो है वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।